हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G54 फ़ोन है, तो मोटो G54 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कैसे आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर होम स्क्रीन लेआउट को आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं मोटो G54 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे आप होम स्क्रीन लेआउट का यूज़ कर पाएंगे मोटो फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन लेआउट है, तो होम स्क्रीन लेआउट को कैसे अनलॉक कर सकते हैं मोटो G54 फ़ोन में, तो सिंपली आपकी सेटिंग शो हो रही है और जब आप सर्च करते हैं होम, तो होम सेटिंग्स के नाम से कोई भी ऑप्शंस नहीं आ रहा है, या फिर आप लॉक लेआउट सर्च करते हैं तो लॉक, तो इस तरह से भी कोई ऑप्शंस नहीं आ रहा है। तो सिंपली आपको सर्च करना होगा डिस्प्ले सेटिंग्स आप सर्च करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस आ जाएगा होम सेटिंग्स का। तो होम सेटिंग्स पे जाकर होम स्क्रीन लेआउट वगैरह को आप चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ कर देंगे तो जो भी आपकी होम स्क्रीन लेआउट है अनलॉक हो जाएगा। जिसको आप लेआउट वगैरह को यहाँ से चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, 3.2.4 पे आप चेंज कर सकते हैं लेआउट वगैरह को। तो इस तरीके से भी आप होम स्क्रीन लेआउट को मतलब अनलॉक कर सकते हैं, और आपको सेटिंग्स नहीं मिलती है फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग में, तो आप डायरेक्टली डिस्प्ले सेटिंग्स पर जाकर भी होम स्क्रीन लेआउट को यहाँ से अनलॉक कर पाएंगे। सिंपली यहाँ से जाते हैं तो ये लेआउट लॉकेट का ऑप्शन आता है, जिसको आप इस तरीके से टैप करके अनलॉक कर सकते हैं और इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से होम स्क्रीन लेआउट को अनलॉक कर सकते हैं मोटो G54 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू।